मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो गारंटी की बात करने वाले लोग वो देश बेच रहे हैं, उनसे क्या गारंटी समझे? ये झूठे वादे करने वाले, देश को बेचने वाले, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने वाले, ऐसे लोगों से गारंटी की बात करते हो? किसानों की हत्या कराने वाले ऐसे बेरुपिया को बात करते हो जो देश में आए दिन लूट की हत्या कर रही है? हाथरस जनपद लूट का सबसे बड़ा तांडव बन गया है, थाने में बैठ के दलाली हो रही है, थाने में लूट की बात हो रही है, यह गारंटी है? अब सवाल यह आया कि इन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है, अब सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस का पहलू मोदी की गारंटी पे सबसे पहले समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस, देन बसपा। जी बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है देश में भ्रष्टाचार की, मोदी जी की गारंटी है किसानों पर लाठी चार्ज की, मोदी जी की गारंटी है 15 लाख सबके खाते में आ गए, मोदी जी की गारंटी है कि एक बेटी के साथ अत्याचार होता है और पूरा देश इस हाथरस में एक बेटी को आधी रात जिंदा जला दिया जाता है, यह मोदी की गारंटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले मोदी जी की गारंटी है कि उनका सांसद बेटियों के खिलाफ अत्याचार करता है। थोड़ा सबर रखोगे तो समझ में आएगा, वरना मेरा शो कभी कभी मेरा शो ऊपर से भी निकल जाता है। थोड़ा सा सब्र रखोगे तब। अब आखिरी अपोजिशन के जो प्रवक्ता हैं हमारे, वो हैं बसपा के, और वो बसपा के, इन्होंने गाया मोदी की गारंटी। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बसपा ने इस हाथरस को जिला बनाया 3 मई 1997 को। जी, जिला से लेकर के सारे डिपार्टमेंट आज सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो बहन कुमारी मायावती जी की देन है। ये समाजवादी की देन है, रोड पर बस स्टैंड, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाता है ये रोड। ठीक है, बोलो, बोलो, बोलो। हाँ जी, अरे वो और मोदी जी, एक मिनट भाई। अरे भाई, अपोजिशन का भी तो ख्याल रखो, आपने कह दिया ये बोल रहे हैं ना, तो आपने तो INDIA की हवा ही निकाल दी। जी बोलिए, मोदी जी की गारंटी है 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है बलात्कार लूट डकैती हत्या और हाथरस की बात बता दूं, 1-1 हजार कट्टे राशन के भाजपा के नेताओं के गोदामों में मिलते, यह गारंटी है भाजपा की, यह मान को गारंटी है मोदी जी की। मोदी जी की गारंटी है किसानों पर लाठी चार्ज और उनके रास्ते में कील गाड़ना। तो सपा बोली, कांग्रेस बोली, अभी कुछ रह गया आपको कुछ बोला? नहीं अभी छोड़, इनिशियल छोड़ा। हाँ जी बिल्कुल, पूरा मौका। मोदी जी की गारंटी है कोई भर्ती नहीं होने के, सारे पर्चे लीक होंगे। मोदी जी की गारंटी है युवाओं के बेरोजगार रखा जाएगा, सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेच दिए जाएंगे। मोदी जी की गारंटी है कि न खाऊंगा लेकिन खाने दूंगा अपने कार्यकर्ताओं। मैं तो कह रहा था ऐसा ना हो कहीं जबान फिसल गई तो न खाऊंगा न खाने दूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, डिबेट में आगाज कर रहे हैं और आज तो कब घोषणा हो चुकी, मैं बिल्कुल बातचीत की भाई आराम से ना, बिल्कुल आराम से। लेकिन मुझे एक बात आपसे पूछनी है, जब आप बोल रहे थे तो ये समाजवादी पार्टी ने ये क्यों कहा कि नहीं ये तो सब समाजवादी पार्टी ने बनाया? आराम से जी, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने 5 साल जब सरकार में रही तो दलित समाज के 5 लाख कर्मचारियों का डिप्रमोशन करके दरोगा से सिपाही बनाया था समाजवादी पार्टी ने। ले हो गए हो, है गए हो, है गए हो। आखिरी पैनल में हमारे सदस्य भाजपा के, वो बोलेंगे, उसके बाद डिबेट ओपन है, जिसको भी हाथ उठाना है हाथ उठाएगा, लेकिन पहले बीजेपी के ये प्रवक्ता बोलेंगे, उसके बाद मैं एक एक करके बाबूजी आपके पास भी आऊंगा। नहीं, जनता की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ती मुझे, दो बात सुन लेंगे आपकी। जी दो बात सुन लूंगे, जनता की आवाज तो सुनती है नहीं हम। जी आपका मौका। देखिए सबसे पहले तो आपका स्वागत अभिनंदन, और ये सभी लोग बोल रहे अपने सपा के भाई, बसपा के भाई और कांग्रेस के भाई,
ये सभी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। राष्ट्र के, हम राष्ट्र के नहीं है, हम राष्ट्र विरोधी हो गए। कांग्रेस जिसने देश की आजादी में लहू बहा, जो देश के लिए शहीद हुए, वो देश विरोधी होंगे, वो देश विरोधी होंगे। वो कैसे देश विरोधी हो सकते हैं, वो कैसे देश विरोधी हो सकते हैं? मैं दे दूंगा आपको भी मौका, दे दूंगा आपको। देखिए, ये आपको पता है कि आपने यहाँ की जनता का उत्साह देख रहे हैं, मानी मोदी जी की बात तब में गारंटी है, इतना काम किया है। क्या आपने कभी सोचा था कि राम मंदिर बन जाएगा? क्या आपने सोचा था जो गलियों में भक्त जाते थे बनारस में, आज उनको कॉरिडोर मिल रहा है? क्या आपने सोचा था मोबाइल निर्यात में हमारा देश, हमारा भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है? क्या आपने सोचा था इतना सारा रोजगार, इतना सारा सम्मान बहनों को किसने दिया? भाजपा ने दिया। ये लोग बात करेंगे हमारे सामने, ये लोग बात करेंगे हमारे सामने। देने वाली व्यक्ति है, ये कटोरा हाथ में दे दिया है जनता को, ये क्या विकास देंगे? विकास तो इनने शून्य कर दिया भाई। कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो अभी? हमारे भाजपा सुनिए सर प्लीज, अभी भाजपा के भाई देखो दिक्कत क्या है। अरे सुनो, पेड़ पर बना देंगे, बैठा के ऊपर। अभी भाजपा के जिलाध्यक्ष जी ने ये कहा कि केवल भाजपा राष्ट्रभक्त है, बाकी सब देशद्रोही हैं। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूछिए। इनके सांसद हेगड़े ने ये कहा 400 सीट दे दी, जब लोकतंत्र और संविधान खत्म कर देंगे, देशद्रोही कौन है? नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, ये अभी फिर दोबारा घुमा फिरा के प्रश्न को पूछ रहे हैं। मानिए, अभी बता रहे हैं संविधान के बारे में, संविधान जो चल रहा है इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, और ये सारी बातें मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये फिर रात इनकी पूरी इस समय अपने उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं है बसपा की, बिल्कुल नहीं है ना, नहीं है एक भी, बिल्कुल शून्य है। और इनका बिल्कुल जनाधार, जनाधार बसपा का पूरा खत्म हो चुका है। हाँ, जो भाजपा ये बात कह रही है, पहली बात तो ये है कि उनकी दो सीट आया करती थी, लेकिन मैंने ले लिया। भाई देखिए, मैं ले लूं सरकार से। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर ये रोजगार की बात करते हैं तो जिलेवार ये बताएं हमारे हाथरस को कितना रोजगार दे दिया, कितना इंडस्ट्री दे दी, कितने यहाँ विकास के कार्य दिए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो देश की बात करते हैं, जनपद की बात ही नहीं कर रहे।